तो भाई देखो इसके अंदर अपना मानुषिक मंकी है। अभी हमें क्या है कि ना ऊपर जाना है होटल में, ठीक है, थोड़ा अपन रेस्ट वगैरह करेंगे और फिर रात में 12 बजे अराउंड अपनी मतलब फ्लाइट वगैरह है, ठीक है। अब वो तो मैंने देखो भाई से पूछा नहीं किया फ्लाइट में ले आ सकते नहीं सकते, वो देख लेंगे जैसा भी हो, कुछ ना कुछ जुगाड़ हो ही जाएगा ना, शायद हो जाए तो बढ़िया रहेगा। तो देखो यार ये पॉकेट मंकी देखती भैया का जो रिएक्शन आया ना, भैया बोलते अरे इतने तो मंकी का इतना बड़ा केज कैसा लगा आपको मंकी? जितने भाई लोग हैं उनको कितना पसंद आए, ठीक है। ये ओनर आप दोनों भाई हैं? हाँ, तो इनका ही ये होटल है मेन, ठीक है। आपको पसंद आया कुछ? तो देखो अब हम होटल आ गए हैं, ठीक है, और ये रहा अपना केज, चलो आओ लेके चलते हैं, ठीक है। थोड़ा सामान वान पैक करना पड़ेगा, तुम देख लो रूम भी कितना गंदा हुआ पड़ा है, देख लो भाई। देखो जो सोचा नहीं था ना अभी वो हो गया है, ठीक है। मतलब सच में यार भाई को लगा था कि मैंने ट्रेन की टिकट बुक करी थी, पर मैंने एक्चुअल में फ्लाइट की टिकट बुक करी थी, ठीक है। और अभी जो सीन हुआ है ना वो फिर भाई बताएंगे, भाई क्या मतलब हुआ है आप जरा बताएं। देखिए ये मैं ऐसे सोचा था कि ये ट्रेन की टिकट बुक की है, लीगल इसको ट्रेन में लेके जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। मुझे पता नहीं था ये फ्लाइट की टिकट बुक की है, और एक्चुअली मैं इनको अभी ड्रॉप करने के लिए जा रहा था, तो जैसे ही मैं पूछा तो ये बोले एयरपोर्ट जाना है। तो एयरपोर्ट में ऑब्वियसली जाएगा नहीं, बिकॉज इसका थोड़ा बहुत पेपर वर्क होता है, माने हेल्थ चेकअप होता है, तो ये सब प्रोसीजर रहेगा। तो वही वाली बात है, मतलब देखो एक होता है ना कि यार एक इंसान जब कोई पेट लेने जाता है ना, वो कुत्ता हो बिल्ली हो या कोई सा भी पेट हो, ठीक है, उसमें भाई वो बोलते हैं ना हर्षो उल्लास रहती कि यार भाई ये तो मेरा हुआ, मतलब पेमेंट कर देंगे सब, अब हमें बस फ्यूचर इसका भी देखना है, अपना भी मतलब इनके साथ देखना है, ठीक है। तो मैं इस तरीके से जोश में था यार, पर जैसी अब वो ही ना अपने को इतनी नॉलेज नहीं है, वो तो मुझे भाई ने आज मुझे अच्छे से बताया कि परिवेश जो साइट है उसका भी क्या सीन होता है, आपको उसमें भी रजिस्टर कराने में इतनी दिक्कत, मतलब दिक्कत क्या है, प्रॉपर डिटेल्स फिल करनी होती है, बहुत कुछ मैटर होता है यार, ठीक है। तो भाई मैं एक चीज तो पता लगी मुझे कि यार ट्रेन से आप ले जा सकते हो, फ्लाइट से फिर वो बहुत कार्गो वाला कुछ मैटर वगैरह है, तो अब इसका भाई फिर रिजल्ट क्या हुआ, हम इसको आज नहीं ले आ पाएंगे? फिर आज नहीं लेके जाएंगे, थोड़े बहुत दिन में मैं ट्राई करूंगा, बिकॉज जो अभी जैसे बहुत सारे ऑर्डर्स हैं मर्मो साइट के भी, तो उनके साथ ही मैं ट्राई करूंगा भेजने को। तो इसकी बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो बनते हैं, हो सकता है फ्लाइट से भी जाए, हो सकता है ट्रेन से भी जाए, तो जैसे भी कंफर्टेबल होगा एनिमल सेफ्टी देख के मैं भेज दूंगा। वही वाली बात है यार, मतलब देखो बुरा तो लग रहा है, अब मैं जानता हूँ इसमें काफी लोग बोलने वाले हैं कि भाई ये कौन सी बात हुई, या फिर मतलब एक होता है ना कि यार देखो, लेकिन जो तुम्हारी फीलिंग है ना कि यार अगर हमने पेट लिया तो वो अपने घर पे आना ही आना चाहिए, और मैंने बहुत कुछ सोचा था यार कि घर जाके फैमिली रिएक्शन लूंगा, मम्मी को दिखाऊंगा, मम्मी देखो मार्मो से बन के आ गए, मैंने स्टोरी बताया भाई अभी जस्ट मुझे कॉल आया दीदी का, ठीक है, वो मुझसे पूछ रही कॉल पे कि कोई एनिमल वगैरह तो लेके नहीं आने की, मैंने लिखा है न्यू फैमिली एवर कमिंग सून, तो मैंने मना किया कि नहीं नहीं ऐसी बस मुझे सरप्राइज देना भाई, मतलब मैंने सोचा होता कि ऐसे ऐसे मैं करने वाला हूँ, और अभी मतलब वो ये यार हमें नॉलेज, अब मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी नॉलेज लेनी पड़ेगी एक्जोटिक पेट्स वगैरह की। मैं भाई से अभी जितना सुना ना ऑफ एनिमल बात हुई, पता लगा कि यार बहुत कुछ होता है जानने के लिए, मतलब सिर्फ आप एनिमल्स के नेम जान लो, उनका रेट जान लो, उससे ये नहीं था कि आपको भाई एक्सेस पूरा आया कि आप तो खरीद लोगे, नहीं भाई बहुत कुछ इन डिटेल एक्सोटिक मामला है यार, मतलब समझ लो इन डिटेल बहुत चीजें होती है बैक हैंड में जो करनी पड़ती है, पेपर वगैरह कैसे इनको ले जाए एक स्टेट दूसरे, तो बहुत कुछ मैटर है। तो भाई पास से दिखा इनको, लास्ट बार ही दिखा पब्लिक को यार, आज के लिए तो लास्ट बार ही है ही, तो कैसे ये लिपट के सोए हुए हैं यार, मतलब सच में नॉडी पप्पू के साथ कितना अच्छा जेलप होते यार, मतलब क्या ही बोलूं। चलो ठीक है अभी के लिए इन क्यूटीज को मुझे बाय बोलना पड़ेगा, लेकिन बहुत जल्दी यार ये मेरा तुमसे वादा है, वादा भाई दे सकता हूँ वादा कि आप कोशिश करेंगे पूरी से पूरी 100% तो जरूर लेके आएंगे, बस वही यार चलो थोड़ा मूड डाउन है पर अभी निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए, थोड़ा एक डेढ़ घंटा फ्लाइट भी डिले हो गई, थोड़ा बात बात करते हैं, पूछता हूँ यार एक्सोटिक पेट्स के मामले के बारे में कि कैसे कैसे क्या सीन होता है, थोड़ा मुझे इन्फॉर्मेशन बताएंगे, ये थोड़ा नॉलेज देंगे तो सही रहेगा ना, कल को मैं दोबारा गलती ना करूँ ऐसे। सही बात, चलो यार अब चलते हैं, आओ। वो अपना मंकी वगैरह ले गए यार, अब जो अपने भाई थे तुमने देखा चश्मा जो लगाया था वो शॉप छोड़ाएंगे, और देखते हैं कहते कहते करना है बाकी, अपना टाइम हो गया अब निकलते हैं। आओ
देखो यार क्या है कि ना सीन हो गया था थोड़ा सा, ठीक है। अपनी जो फ्लाइट थी 12:45 की, वो डिले हुई पहले 2 घंटे के लिए, 2:30 बजे तक की फ़्लाइट हुई। उसके बाद क्या है कि वो 1 घंटा और डिले हो गई, तो अभी अपनी फ़्लाइट 3:15 की है, बोर्डिंग बस समझ लो चालू होने वाली है। तो भूख भी लग रही थी अपने को, मतलब अपन तो इतने पहले आ गए थे, तो यहाँ देख लो मैंने कुछ खाने के लिए लिया। ये अपने पास है यहाँ पे प्रेट्ज़ल, भाई पहली बार खा रहा हूँ, मुझे तो नहीं पता यार, मैंने तो बस यू ही ले लिया, मुझे लगा मीठा होगा, इन्होंने तो मेरे साथ में दे दिया। हाँ भाई धीरज पहली बार देख रहा हूँ भाई। अपने लिए तो छोले भटूरे, मोमोज, बिरयानी, नान, पराठे। धीरज का तो ये होगा कि भाई बैंगलोर में भेजते इतनी बिरयानी, मटन, इतना मटन फाड़ लिया कि भाई नहीं है बिरयानी नहीं यार। बिरयानी के अलावा नान, छोले कुलचे, थोड़ा दिल्ली का स्वाद है, थोड़ा दिल्ली का स्वाद है, ठीक है। तो एक बार ना सर ऐसे चख के देखते हैं साथ में। अपने पास यहाँ पे ये देख लो सैंडविच भी है, ठीक है भाई। ऐसा लग रहा है मेरे पिज्ज़ा में सब्जियाँ क्यों नहीं है। ये पिज्ज़ा वाली ब्रेड है, इसको मैं बढ़िया अपना जले पहने को स्वाद, तो जानता है वो पिज्ज़ा में जले पहनो डलता है, हाँ, तो उसका वाला ये मिनी होगा थोड़ा स्वाद में, और ये नॉर्मल ब्रेड और कुछ नहीं है। 200 रुपये का भाई, 200 रुपये का प्रॉपर है ये, और ये तो अपना सैंडविच है। चलो ये 270 का है, पर महंगा तो महंगा है, लेकिन ये क्या होता है प्रेट्ज़ल है मुझे समझ में नहीं आ भाई, अपने समझ के बाहर है, और थोड़ा धीरे बोलना पड़ रहा है क्योंकि और ऑफकोर्स पब्लिक एरिया, ऊपर से मैं नींद में भी बहुत हूँ भाई। अब जरा धीरज भाई को चखाते हैं जरा। ये धीरज भाई रेडी हो तुम? ये ऐसा लग रहा है केकड़े की टांग है, टांग निकाल के दे रहा हूँ ले भाई। कैसा लगा? नो कमेंट्स धीरज भाई की तरफ से। खाते हैं और फिर अपना बोर्डिंग भी करेंगे यार, क्योंकि अब तो भाई हो रहा है कि दिल्ली जाना है यार। अब इतनी नींद आ रही है, मेरा कल पेपर भी है यार, मतलब पेपर तो छोड़ो यार, मतलब यही क्या है कि अब दिल्ली पहुँचा दो, पहले सोएंगे फिर देखी जाएगी पेपर कॉलेज क्या होता है सब, ठीक है। चलो नॉटी, ये देखो भाई, नो नॉटी फुल एक्सपो भाई, नाखून कितने बढ़ गए इसे। अरे चल चल पूछ मत पूछ मत। तो देखो यार तुम लोगों भाई को बोल सकते हो वेलकम इन दिल्ली। और अब क्या है कि बढ़िया से पहले सोऊंगा, क्योंकि 1 बजे मेरा पेपर भी है, तो उसके लिए 11:30 तो उठ जाना चाहिए, ठीक है। 1 घंटा जाने भी लग जाएगा, बढ़िया। तो यही सही, बाकी तुम इधर देख लो पग्गू को भी। पग्गू माय बॉय। अब भाई मैं क्या ही बोलूँ, पग्गू नोडी के लिए अपन एक दोस्त लाने वाले थे, पर वो नहीं हो पाया यार। उसके लिए मैं यही बोलूँगा कि बच गए ये दोनों, वरना फुल ईयर होता इनके साथ भी है, इन दोनों को इनसिक्योरिटी होती। पहले क्या था, नोडी को पग्गू के आने से हुई थी, अब पग्गू को उस छोटे बंदरू से आने से होती, ठीक है। वही है कि यार अपना जो मानो सेट मंकी है पॉकेट वाला, देखते हैं कब तक आएगा, क्या सीन है। तेरी आंखें भूल भुलैया, बातें हैं भूल भुलैया, ऐसी गाती है मुझे क्योंकि गाना अच्छा लग रहा था। मेन क्या है कि देखो यार, मैं जानता हूं तुम लोगों को किस वीडियो का इंतजार है, अब मैं अपने मम्मी के रिएक्शन कब लूंगा उस चीज के ऊपर। मम्मी मेरे बगल में ही है, ये देखो यहां मेरे से फोन देख रही है, पर वो जो वीडियो है जो तुम चाह रहे हो अपने है 19.23K, मतलब 100 होने वाले हैं। फटाफट से मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ और फॉलो करो यार, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ बहुत जल्दी अपन एक अगला गिवअवे भी करें, क्योंकि जो पहला अपना गिवअवे था उसका रिजल्ट तो मैंने सुना दिया तुम लोगों को, पता ही है जो मेरे इंस्टाग्राम में आ रखे थे भाई, क्योंकि मैंने प्रॉपर यूट्यूब वीडियो नहीं बनाई थी, तो जो रिजल्ट था पिछले गिवअवे को मेरे इंस्टाग्राम में मैंने प्रॉपर रिजल्ट दे दिया था, ठीक है। तो अब नेक्स्ट गिवअवे में कौन सा करूँ मुझे बताना, इंस्टाग्राम पे आके DM करके या फिर यूट्यूब पे कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी चलो वीडियो पे एंड करते हैं। तो यार मैं मार्शल, तब तक के लिए गुड बाय। Oh, oh, oh.